आरोगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत 27A के चक 25A में बुधवार देर रात को दो पक्षों में विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि नौबत मारपीट तक पहुंच गई। इस झगड़े में दोनों पक्षों का एक एक व्यक्ति लहूलुहान हो गया। दोनों को राजकीय चिकित्सालय लाया गया तथा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने दोनों पक्षों से मामले की जानकारी ली। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर धारदार हथियार से हमला करने का आरोप लगाया है। पुलिस को दिए हुए बयानों के अनुसार गुरुचरण सिंह पुत्र प्यारा सिंह के परिजनों ने पुलिस को बताया कि एक व्यक्ति रोज उसके घर के आगे तेज आवाज में ट्रैक्टर पर डेक बजाकर निकलता था। बुधवार शाम उन्हें डेक की आवाज़ धीमी रखने के लिए कहा गया तो एक बार की हमलावर वहां से चले गए, लेकिन बाद में 5 से 7 लोग तलवारों से लैस होकर उनके घर आए और उन पर हमला बोल दिया। इस पर गुरुचरण सिंह के सिर पर चोट लग गई। शोर मचाने पर बीच बचाव कर लोगों ने उन्हें बचाया। इस प्रकार दूसरे पक्ष ने ठाकर सिंह ने आरोप लगाया कि वह रोजाना उसी मार्ग से अपने घर के लिए जाते हैं, आज भी हमेशा की तरह अपने घर जा रहे थे, सहित अन्य ने पीछे से आकर उन पर हमला बोल दिया। उन पर आरोप लगाया कि वह तेज आवाज में डेक चलाते हैं, लेकिन यह आरोप निराधार है। अचानक उनके ऊपर हुए हमले से वह हड़बड़ा गए और शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा किया। लोगों द्वारा उन्हें छुड़ाकर राजकीय अस्पताल लाया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों के पर्चा बयान लिया है और मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। ग्राम पंचायत का मामला होने के कारण सरपंच मानवीर सिंह सहित दोनों पक्षों के लोग राजकीय चिकित्सालय पहुंचे। पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से 3 लोगों को राउंड अप किया है। खबर भारतवर्ष के लिए अनुपम राजस्थान से सुखप्रीत सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।